मैं डिस्ट्रिक्ट में खेली थी, वहाँ मेरी फर्स्ट रैंक रही थी। और फिर मैं स्टेट में जयपुर में दुर्गापुरा खेलने गई थी, वहाँ भी मेरी फर्स्ट रैंक रही थी। और इसके बाद मैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में खेलने गई थी, वहाँ मेरी थर्ड रैंक रही थी। और इसके बाद मैं महाराष्ट्र नागपुर में मेरी फर्स्ट पोजीशन रही थी। ये तीरंदाजी मैंने अपने सर से सीखी और पापा मुझे घर पर करवाते थे। मैं ओलंपिक तक खेलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे को हर ओलंपिक में गोल्ड मिले। अब यहाँ पर जो तीरंदाजी के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो वो बाहर से मंगवाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है और फिर लाने ले जाने में भी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने यही सोचा कि किस तरह से इसको बनाया जाए। तो घर मैंने ये जो टारगेट फेस है ये बनाया है। ये जो टारगेट फेस है वो पानी की टंकी को, पुराने जो पानी की टंकी थी उसको काट करके बनाया है। इसके पीछे कुछ जो ये जूट वगैरह भरा गया है और ये पुरानी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग करके ये टारगेट बनाया है। मैम यहाँ पर ये तीरंदाजी से संबंधित, आर्चरी से संबंधित कोई भी सामान मिलता नहीं है यहाँ पर। सारा सामान या तो हमें जयपुर से लाना पड़ता है या फिर हम बाहर से जहाँ खेलने जाते हैं वहाँ से खरीदना पड़ता है। और यहाँ पर अभी क्या है मैम, कोच की भी व्यवस्था नहीं है, कोच भी नहीं है यहाँ पर, तो कोच होना भी ज़रूरी है। अभी गुड़िया कितना परेशान होती है, इसको इसके पापा ही बताते हैं या फिर जो और स्टूडेंट है वो सिखाते हैं। कोच की व्यवस्था नहीं है इसलिए यहाँ पर कोच होना ज़रूरी है। और वो मैम हम क्या मिडिल क्लास हैं, प्राइवेट नौकरी हमारी, इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम 2-2.5 लाख रुपये इसे कंपाउंड या रिकर्व दिलाएँ। अब साल 2 साल के बाद इसको उसकी ज़रूरत है, तो हम यही है कि गवर्नमेंट हमें इतना वो कर दे, हमारी गुड़िया को हेल्प कर दे कि ये इसका जो आगे बढ़ने का सपना है या बाहर जाने का सपना है वो तभी पूरा हो सकता है, तभी से कंपाउंड या रिकर्व मिले।